इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको नोटपैड का परिचय दिया और उसके फाइल टाइप के बारे में बताया था, और आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे नोटपैड में एडिट टैब के अंतर्गत आने वाले ऑप्शंस के बारे में, जिसमें आप जानेंगे अंडू ऑप्शन का उपयोग करना, कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन का उपयोग करना, डिलीट ऑप्शन का उपयोग करना, फाइंड फाइंड नेक्स्ट और रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग करना, सिलेक्ट ऑल ऑप्शन का उपयोग करना और टाइम एंड डेट ऑप्शन का उपयोग करना। तो चलिए देखते हैं इन सभी ऑप्शंस के उपयोग। हमने पहले से ही अपने कंप्यूटर में नोटपैड ओपन किया हुआ है। कंप्यूटर में नोटपैड को खोलने का तरीका हम इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। एडिट टैब के ऑप्शन समझने के लिए पहले हम नोटपैड फाइल में कुछ लिख लेते हैं। ये यहाँ पर हमने दो लाइंस लिख दी हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार एडिट टैब पर क्लिक करके उसके मेन्यू के ऑप्शंस दिखा देते हैं। हम इन सभी ऑप्शंस को एक एक करके आपको समझाएंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सभी ऑप्शंस के सामने उनके शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं। आप चाहें तो मेन्यू ओपन किए बिना ही शॉर्टकट्स द्वारा इन ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इस मेन्यू में सबसे पहले है अंडू। अंडू का उपयोग पिछले काम को वापस लाने के लिए किया जाता है। जैसे अभी हमने दो लाइंस लिखी हैं और मान लीजिए इनमें से गलती से एक लाइन डिलीट हो गई, तो अंडू के द्वारा हम उस लाइन को वापस ला सकते हैं। चलिए आपको करके दिखा देते हैं। उसके लिए कीबोर्ड पर अंडू की शॉर्टकट की कंट्रोल और जेड को एक साथ प्रेस करें, या फिर मेन्यू बार में एडिट टैब पर क्लिक करें। ओपन हुए मेन्यू में से अंडू ऑप्शन पर क्लिक करें। ये देखिए अंडू पर क्लिक करते ही वो लाइन फिर से आ गई है। अब देखते हैं अगला ऑप्शन। मान लीजिए इन दो लाइंस में से हमें एक लाइन यहाँ से हटाकर इसी फाइल में कहीं दूसरी जगह या फिर किसी दूसरी नोटपैड फाइल में ले जानी है, तो उसके लिए हम कट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। हम आपको बता दें कि किसी अक्षर शब्द या लाइन इत्यादि को कट करने के लिए उसे पहले सिलेक्ट करना होता है। उदाहरण के लिए हमें ये वाली लाइन आई स्टडी इन क्लास 8 कहीं और ले जानी है, तो इस लाइन को सिलेक्ट करने के लिए इसकी शुरुआत में क्लिक करेंगे और फिर बिना माउस का क्लिक छोड़े लाइन के आखिर तक ड्रैग करेंगे। देखिए लाइन सिलेक्ट हो गई है। आप चाहें तो लाइन के आखिर में भी क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग करते हुए भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइन सिलेक्ट करने के बाद उसे कट करने के लिए शॉर्टकट कीज कंट्रोल और एक्स एक साथ प्रेस करें, या फिर एडिट पर क्लिक करके ओपन हुए मेन्यू में से कट ऑप्शन पर क्लिक करें। ये देखिए कट करते ही फाइल में से वो लाइन हट गई है। अब इस कट की हुई लाइन को इसी नोटपैड फाइल में या फिर किसी भी नई नोटपैड फाइल में पेस्ट किया जा सकता है। चूंकि हमें कट की हुई लाइन एक नई फाइल में पेस्ट करनी है, तो उसके लिए पहले हम फाइल टैब में से न्यू ऑप्शन पर क्लिक करके एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हमने न्यू ऑप्शन पर क्लिक किया, नई फाइल खुलने के बजाय यहाँ ये डायलॉग बॉक्स आ गया है जिसमें अभी हम जिस फाइल में काम कर रहे थे उसे सेव करने के लिए पूछा जा रहा है। यदि आप इसे सेव करना चाहते हैं तो कर लें। सेव करने का तरीका हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ध्यान रखें, जब तक डायलॉग बॉक्स नहीं जाएगा तब तक नई फाइल नहीं खुलेगी। हम इस फाइल को सेव नहीं करना चाहते, इसलिए डोंट सेव पर क्लिक कर रहे हैं। तो देखिए अब ये नई फाइल खुल गई है। अब इस नई फाइल में कट की हुई लाइन पेस्ट करने के लिए या तो शॉर्टकट कीज कंट्रोल और वी को एक साथ प्रेस करें, या फिर एडिट मेन्यू में से पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। देखिए पेस्ट पर क्लिक करते ही हमारी कट की हुई लाइन यहाँ पेस्ट हो गई है। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि कट किए हुए किसी भी अक्षर शब्द या लाइन को आप कितनी भी बार पेस्ट कर सकते हैं। हम इस कट की गई लाइन को यहीं नीचे फिर से पेस्ट कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं एडिट टैब के मेन्यू का अगला ऑप्शन, और ये है कॉपी। किसी भी अक्षर शब्द लाइन इत्यादि को कॉपी करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिस तरह कट करने से कोई अक्षर शब्द
लाइन इत्यादि उस जगह से हट जाती है। इसके विपरीत कॉपी करने से वो अक्षर शब्द या लाइन वहाँ से हटते नहीं हैं, वो जहाँ है वहीं बने रहते हैं और हम उन्हें उसी नोटपैड फाइल में या फिर किसी अन्य फाइल में भी पेस्ट कर सकते हैं, यानी उसे किसी और जगह भी पेस्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आई स्टडी इन क्लास 8, इस सेंटेंस में से हम आई स्टडी को कॉपी करके इसी फाइल में यहाँ नीचे पेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए पहले हम आई स्टडी को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी करने की शॉर्टकट की कंट्रोल और सी एक साथ प्रेस करेंगे या फिर एडिट टैब के मेन्यू में से कॉपी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हमने जो लाइन सिलेक्ट की थी वो कॉपी हो गई है। अब हम इस लाइन को जहां पेस्ट करना चाहते हैं वहां जाकर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल और वी प्रेस करेंगे। देखिए कॉपी की हुई लाइन यहां भी पेस्ट हो गई है। यहां हम आपको एक बार फिर बता दें कि कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को उसी फाइल में या किसी अन्य फाइल में कितनी भी बार पेस्ट किया जा सकता है। देखिए हम इस लाइन को फिर से पेस्ट कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं एडिट टैब के अगले ऑप्शन फाइंड के बारे में। उसके लिए हमने फाइल में कुछ पैराग्राफ्स लिख लिए हैं। अब मान लीजिए हमारी ये नोटपैड फाइल बहुत बड़ी है और हमें ये जानना है कि इसमें डॉक्यूमेंट शब्द कहाँ कहाँ उपयोग किया गया है। तो उसके लिए या तो हम फाइंड करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल और F एक साथ प्रेस करेंगे या फिर एडिट टैब के फाइंड ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ऐसा करते ही फाइंड वाली ये विंडो दिखाई पड़ेगी। इस विंडो में फाइंड व्हाट के सामने दिखाई दे रहे बॉक्स में वो शब्द अक्षर या लाइन इत्यादि टाइप करें जो आप ढूंढना चाहते हैं। हमने इसमें टाइप किया डॉक्यूमेंट। अब इस विंडो में आप डायरेक्शन ऑप्शन देख सकते हैं जिसकी सहायता से आपको बताना है कि डॉक्यूमेंट में ऊपर से नीचे की ओर सर्च करना है या नीचे से ऊपर की ओर। यदि आप अप ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ सर्चिंग होगी और यदि आप डाउन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ सर्चिंग होगी। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, अप ऑप्शन उपयोग करते समय कर्सर नोटपैड फाइल में सबसे नीचे होना चाहिए और डाउन ऑप्शन का उपयोग करते समय कर्सर सबसे ऊपर होना चाहिए। हम इसमें डाउन सिलेक्टेड रहने देते हैं। अब हम फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए एक जगह डॉक्यूमेंट शब्द दिख गया है। अब यदि आप अगला डॉक्यूमेंट शब्द देखना चाहते हैं तो दोबारा फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसी तरह आप अपनी नोटपैड फाइल में अक्षर शब्द लाइन इत्यादि खोज सकते हैं। फाइंड विंडोज के जो अन्य ऑप्शंस हैं वो भी देख लेते हैं। इस विंडो में मैच केस वाला एक चेकबॉक्स भी है। इस चेकबॉक्स पर क्लिक करने से ये सर्च केस सेंसिटिव हो जाती है। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। फिलहाल हम नोटपैड फाइल में डॉक्यूमेंट शब्द ढूंढ रहे हैं जिसका डी स्मॉल है, या यूं कहें कि सारे ही लेटर्स स्मॉल हैं। अब हम एक काम करते हैं कि डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग में जो पहला डी है उसे कैपिटल कर देते हैं। डी को कैपिटल करने के बाद इस विंडो में मैच केस वाले चेकबॉक्स पर क्लिक कर देते हैं। इसी के साथ कर्सर को भी नोटपैड फाइल में पहले सेंटेंस की शुरुआत में ले आते हैं। अब फाइंड करने के लिए फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए अब सर्च करने पर कोई रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने मैच केस पर क्लिक किया था और डॉक्यूमेंट का डी कैपिटल लिखा था। अब चूंकि पूरी फाइल में कैपिटल डी वाला डॉक्यूमेंट शब्द कहीं भी नहीं है इसलिए सर्च करने पर कोई रिजल्ट नहीं दिखाई पड़ा। अब हम फिर से डॉक्यूमेंट के डी को छोटा कर देते हैं और मैच केस लगा रहने देते हैं, फिर से सर्च करते हैं। अब देखिए ये डॉक्यूमेंट शब्द दिख रहा है। अब देखते हैं एडिट टैब का अगला ऑप्शन जो है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड द्वारा सर्च किए गए शब्द के बाद वो शब्द नोटपैड में दूसरी जगह जहां पर भी है वहां जाने के लिए फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि फाइंड नेक्स्ट उसी शब्द को ढूंढता है जिस शब्द को हमने आखिरी बार फाइंड ऑप्शन वाली विंडो द्वारा ढूंढा था।
उदाहरण के लिए हमने फाइंड ऑप्शन वाली विंडो द्वारा आखिरी शब्द डॉक्यूमेंट ढूंढा था, तो फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन भी पूरी नोटपैड फाइल में डॉक्यूमेंट शब्द को ही ढूंढेगा। चलिए हम इसको भी करके देख लेते हैं। फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट की है F3, या आप चाहे तो एडिट टैब के मेन्यू में से फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये हमने फाइंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया, ये देखिए ऐसा करते ही डॉक्यूमेंट शब्द हाईलाइट हो रहा है। एडिट टैब के मेन्यू का अगला ऑप्शन है रिप्लेस। इस ऑप्शन की सहायता से आप नोटपैड में कोई शब्द वाक्य इत्यादि को ढूंढकर उसे किसी अन्य शब्द वाक्य इत्यादि से बदल सकते हैं। ये तब ज्यादा उपयोगी होता है जब हमें एक साथ एक बार में पूरे डॉक्यूमेंट में कोई शब्द या वाक्य इत्यादि बदलना चाहते हों। चलिए इसका उपयोग करके दिखा देते हैं। पहले हम चाहते हैं कि जहां डॉक्यूमेंट शब्द लिखा है उसमें कुछ स्थान पर फाइल शब्द आ जाए और कुछ स्थान पर डॉक्यूमेंट्स ही रहे, तो उसके लिए कर्सर को फाइल की शुरुआत में रखें और फिर एडिट मेन्यू में से रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करें। रिप्लेस पर क्लिक करते ही यह विंडो दिखाई पड़ेगी। इसमें फाइंड व्हाट के सामने वाले बॉक्स में हम वो शब्द लिखेंगे जिसे हम बदलना चाहते हैं, यानी डॉक्यूमेंट, और रिप्लेस विद के सामने वाले बॉक्स में हम वो शब्द लिखेंगे जो हम डॉक्यूमेंट की जगह चाहते हैं, यानी फाइल। अब हम फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट कहाँ लिखा है, और जिस शब्द को हमें बदलना होगा वहां हम रिप्लेस बटन पर क्लिक करेंगे, और जहां नहीं बदलना होगा वहां फिर से फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ रिप्लेस बटन पर क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट के स्थान पर फाइल शब्द आ गया है और अगला डॉक्यूमेंट हाईलाइट हो रहा है। हम इसे नहीं बदलना चाहते तो उसके लिए हमें फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही हम अगले डॉक्यूमेंट शब्द पर आ गए हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, ये जरूरी नहीं कि आप सभी वर्ड्स को रिप्लेस करें। यदि आपको कुछ वर्ड्स रिप्लेस करने के बाद ऐसा लगता है कि बस अब हमें और वर्ड रिप्लेस नहीं करना है, तो आप कैंसल पर क्लिक करके इस विंडो को बंद कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस फाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट शब्द हैं या जितनी भी जगह पर डॉक्यूमेंट शब्द आया है उन्हें एक साथ फाइल शब्द से बदलना है, तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करें। ये देखिए ऐसा करते ही सभी जगह डॉक्यूमेंट शब्द फाइल से रिप्लेस हो गया है। इस विंडो में भी आप मैच केस ऑप्शन देख सकते हैं। यह ऑप्शन यहाँ भी उसी तरह काम करता है जैसा हम आपको फाइंड ऑप्शन के लिए बता चुके हैं। अब कैंसिल पर क्लिक करके इस विंडो को बंद कर देते हैं और अगला ऑप्शन देखते हैं जो है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का उपयोग नोटपैड में लिखे हुए टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल और ए। ये ऑप्शन तब उपयोगी होता है जब हम एक साथ पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट, कट, कॉपी इत्यादि करना चाहते हों। हम कंट्रोल और ए कीज को प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया है। अब हम चाहें तो इसे डिलीट, कट, कॉपी इत्यादि कर सकते हैं। यहाँ हम आपको एडिट टैब के डिलीट ऑप्शन का उपयोग करके भी दिखा देते हैं। ध्यान रखिए आप जिस भी टेक्स्ट को डिलीट करना चाहते हैं पहले उसे सिलेक्ट करना होगा। हमने पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट किया हुआ है, अब डिलीट करने के लिए या तो कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस कर दें या फिर एडिट टैब पर क्लिक करके ओपन हुए मेन्यू में से डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें। डिलीट पर क्लिक करते ही देखिए सिलेक्ट किया हुआ पूरा टेक्स्ट डिलीट हो गया है। हम कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू करते हैं और पूरा टेक्स्ट वापस ले आते हैं। ये देखिए अंडू करते ही टेक्स्ट वापस आ गया है। अब यदि आप टेक्स्ट से सिलेक्शन हटाना चाहते हैं तो नोटपैड में कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सिलेक्शन हट गया है। चलिए अब हम देखते हैं एडिट टैब के मेन्यू का आखिरी ऑप्शन जो है टाइम डेट। इस ऑप्शन की सहायता से आप नोटपैड में वर्तमान टाइम और डेट इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है F5। आप नोटपैड में जहां भी टाइम और डेट डालना चाहते हैं वहां क्लिक करने के बाद F5 की प्रेस कीजिए या एडिट टैब के मेन्यू में टाइम डेट ऑप्शन पर क्लिक करिए। ये देखिए टाइम और डेट इंसर्ट हो गए हैं। पर जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमने जो टाइम और डेट इंसर्ट किया है उसमें और टेक्स्ट में कोई स्पेस नहीं है और कर्सर भी इन दोनों के बीच में ही है, तो हम एंटर प्रेस करके टेक्स्ट को नीचे ले आते हैं। ये देखिए टेक्स्ट नीचे आ गया है।
हम आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। नोटपैड के अगले वीडियो में हम आपको नोटपैड के फॉर्मेट टैब की जानकारी देंगे।